नमस्कार। आज ये स्पेशल वीडियो भास्कर सावे साहब जो गांधीयन थे और उनकी खेती के लिए मसानोबू फुकुओका ने कहा कि भास्कर सावे साहब के खेत की मिट्टी उनके खेत की मिट्टी से अच्छी है, बेहतर है, तो ये दोनों का बड़प्पन था। तो सावे साहब से मैं दो बार मिला, गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर उनकी खेती थी और वो सेलिब्रेटेड थे दुनिया में, उनकी बहुत इज्जत थी भारत में, चूँकि वो स्वामीनाथन साहब के साथ नहीं थे और तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता था। तो ख़ास तौर पर आज हम यहाँ पर हमारे समर शैल फार्म में पूर्णिया में बिहार में जो हमारे फादर इन लॉ की लेट फादर इन लॉ उनका उनकी विरासत की ज़मीन है यहाँ है। ये बिना जुताई की खेती, बिना जहर की खेती, तो खस इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ये बहुत नाइट्रोजन फिक्स करता है, बहुत कार्बन फिक्स करता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए हम लोगों ने इस बार अगर हम यहाँ देखें तो मूंग को छींटा है, ब्रॉडकास्ट किया है अच्छी मिट्टी के साथ और बढ़िया उगाया है। अब तो फूल भी आने लगे हैं इसमें, तो मोटा मोटी तौर पर 4 किलो अगर हमने पर एकड़ में मूंग को ब्रॉडकास्ट किया तो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, एक तो अव्वल उसके बाद मूंग कुछ तो मिलेगा, कुछ बचेगा, और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन इसमें मिट्टी में हुई है उसका कोई सानी नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से देखें, अगर यूरिया देना चाहें उसके बदले में, तो इतना यूरिया भी दें, चूँकि 40% यूरिया तो जब ब्रॉडकास्ट करते हुए हवा में चला जाता है, तो इतना सारा यूरिया के बराबर इस ये मूंग भास्कर सावे साहब कहते थे ये मूंग उससे बेहतर है और बायो अवेलेबल है। और चूँकि खस ये बामुश्किल 1 महीने पुराना खस है जो पेरिनियल घास है, हिंदुस्तान का घास है जो नमी पकड़ता है, कार्बन सिक्वेस्टर करता है और मल्च का बहुत अच्छा इसका प्रयोग है मिट्टी के लिए। तो अगर नाइट्रोजन भी मूंग से मिल रहा है, कार्बन भी मिल रहा है, और जैसा हम देखें यहाँ नींबू तो इसमें फल आ रहे हैं और गर्मियों के समय फल आ रहे हैं, और भी हम देखेंगे इसमें पहले से काली हल्दी और मौजूद है। तो ये खेती जो ऐसी मिट्टी में जो काली हल्दी उगी हो, ये पिछले साल की काली हल्दी है जो हम 2 साइकिल के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि कुछ 14 महीने पुरानी जो काली हल्दी है उसका जो गुणधर्म है रोगों को किसी भी तरह के इन्फ्लेमेशन के लिए, लंग्स के लिए, हार्ट के लिए, ब्लड थिनर है, ब्रेन के लिए, लिवर के लिए, उसका कोई सानी नहीं है जो ऐसी मिट्टी में होगा वो बिना जुताई बिना जहर की मिट्टी में। और खस ये हमारे यहाँ सब जगह है, तो खस जो कार्बन के अलावा ये टॉप सॉइल पकड़ता है, जो भी उत्पादकता है वो मिट्टी की ऊपरी परत में, तो खस उसको संभालता है, रोकता है और नमी पकड़ता है। तो एक बार अभी इस मौसम में जो अप्रैल का महीना है और हाहाकार है, पानी नहीं पड़ रहा है, यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते एक आध बार बारिश अप्रैल महीने में आ जाती थी, इस बार नहीं आई है, लेकिन क्योंकि खस इतना बहुतायत में है तो यहाँ इसका जो वाटर रिटेंशन है या नमी को पकड़ने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा है, और नाइट्रोजन भी फिक्स हो रहा है, बायोमास भी है। मैं दिखाना चाहूँगा ये जो फर्न हैं, बॉस्टन फर्न कहते हैं, क्यों कहते हैं मुझे नहीं समझ आता, इंडिया में तो खूब होता है, तो वो परिचायक हैं कि मिट्टी में नमी है। तो आप देख
तक ये यहाँ ऑप्शन पान बताए थे। जब ये कोमल रहता है तो इसको साग भाजी के तौर पर भी इसकी पत्तियों को खाते हैं। हमारे यहाँ फोकलोर है और इस पर ज़रूर शोध का विषय होना चाहिए कि इसके क्या न्यूट्रिशन वैल्यू है। इसी तरह हम देखें कहीं कहीं बीच बीच में आप देख सकते हैं कि पिछले साल की हल्दी फिर से उग रही है। ये कैंसर में उपयोगी है और तो और दमा में बहुत उपयोगी है। ये हल्दी का फूल है, काली हल्दी का, और किसी भी ऑर्किड से मेरे हिसाब से ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बॉस्टन फर्न जिसकी मैं बात कर रहा था कि नमी का परिचायक है। आप देखें कि हमारे यहाँ अच्छा फल फूल रहा है। ये कोई हॉर्टिकल्चर वाले आए, उन्होंने कहा रही ये तो पौध बड़े शहरों में बिकती है ऑक्सीजन के लिए, तो सब शहरों के लिए ही क्यों हो। खेत में भी ऑक्सीजन और हवा को शुद्ध करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ ये बहुत आयत में है और ऐसी इनसे परेशानी है, इसको काट कर नीचे कर दें। अपनी खेती जो ऋषि खेती है वो इतनी सरल है, जहाँ आपको लगे कि बहुत ज़्यादा घना अंधेरा कर रहा है तो थोड़ी सी उसको छांट कर वहाँ रख दें। वही मल्च हो जाएगा, वही खाद हो जाएगा। बारिश आएगी तो उस पर बैक्टीरिया फंजाई काम करेंगे और बारिश के साथ वो मिट्टी के अंदर चला जाएगा ये भोजन, और बनेगा भोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म्स और दूसरे स्मॉल एनिमल्स के लिए। एक मुट्ठी मिट्टी में जितने प्राण हैं